नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई बिजनेस पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजी एग्रीगेटर का कोई ऐप रन करते हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे लोग मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स को लिस्टेड करते हैं और फिर वो इन्वाइट करते हैं यूजर्स को कि उनके ऐप को डाउनलोड करें और अपने कंसल्टेशन के लिए उन एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल करें। तो इस तरह के बिजनेसेस में अगर आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं अपने इस एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट करने के लिए, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए और किस तरह से आप प्रोसीड करें वन बाय वन कि हमें अगर अपने ऐप को प्रमोट करवाना है तो हम कौन से अलग अलग एक्टिविटीज को टारगेट लेकर के चले, सो डेट कि जो हमारा मेन गोल है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपने ऐप को डेवलप कराने का और इसको लॉन्च करने का और इसको एक रिकरिंग ग्रोथ वाले बिजनेस मॉडल बनाने का, ठीक है, तो उसमें आपका जो गोल है वो काफी क्लियर होना चाहिए बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से ही कि हम कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हमें काफी हेल्प मिल सकता है और जो हमारे बिजनेस को काफी ग्रो कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बताया होगा कि हमने लगभग 25-30 एस्ट्रोलॉजर्स के लिए काम किया हुआ है जिसमें से ऑलमोस्ट 12 प्लस एग्रीगेटर के साथ मैंने काम किया हुआ है जिनके एप्स वगैरह हैं या फिर जो पर्टिकुलर अपने वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स को लिस्ट किए हुए हैं और उनसे अपना कंसल्टेशंस वगैरह ऑडियंस को करा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जब वो हमारा कंसल्टेशन का टाइम चलता रहता है, जब हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं कि भाई हमें कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं चीजों में जाकर के कि हमें अभी ये वाला चीज पे पहले फोकस करना चाहिए या फिर इस पे पहले फोकस करना चाहिए। देखिए, जो मेन उद्देश्य है हमारे ऐप का वो ये होता है कि मैक्सिमम लोग इसको डाउनलोड करें, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि हर कोई हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेगा, मैक्सिमम लोग इसको डाउनलोड करें इसका मतलब क्या है कि जो रिलेवेंट ऑडियंस है, ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में उनकी नीड है, जो लोग चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से उनका कंसल्टेशन हो और एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज एग्जैक्टली उनकी नीड है, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटर उन्हीं तरह के लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा और उनके थ्रू उसके इंस्टॉलेशंस बढ़ते हैं, उसके डाउनलोड बढ़ते हैं और जब डाउनलोड बढ़ते हैं तो वो पर्सन उसको साइनअप भी करता है ऐप में जाकर के और रिचार्ज भी करता है। अगर उसको कुछ फ्री टॉपअप्स वगैरह मिल रहे हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज उसमें वो रिचार्ज भी करता है फिर जाकर के वो एस्ट्रोलॉजर को कॉल भी करता है, ठीक है। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप वाकई ये मान लीजिए कि आप कुछ भी करा लीजिए, अगर आप ऐप इंस्टॉलेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ये मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मेन गोल ही नहीं है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पहले डाउनलोड इंक्रीज हो, वो भी रिलेवेंट डाउनलोड, ठीक है, जो होता है जेन्युइन कस्टमर्स आपको आपके ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, वो चीज मेन होना चाहिए पहले, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं, सर हमारे इसमें एसओ वाले पार्ट में क्या होगा, ठीक है, बैकलिंकिंग आप कितने करने जा रहे हो, ये सब कितने, भाई साहब ये सब भी जरूरी है, मैं नहीं करूँ ये सब जरूरी नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, ठीक है। आप एक लॉन्ग टर्म का जब एक प्लान बना रहे हैं कि भाई एक साल तक जो हमारा काम होगा उसमें ये सारी चीजों का क्या रोल है, लेकिन पहला जो 3 मंथ्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड ही होना चाहिए। अगर आपके ऐप लगातार ज्यादा ज्यादा डाउनलोड होंगे और आप एश्योर्ड हैं कि आपके चैनल में, आपके ऐप में, आपके डैशबोर्ड में टॉप क्लास के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वाकई अच्छा ज्ञान रखते हैं अपने पास, ठीक है, वो दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिटेंशन रेट भी काफी अच्छा बनता जाता है, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी ऐप का जो मार्केट कैप है अभी ग्लोबली, जब मैं याहू का डेटा देख रहा था, याहू फाइनेंस का, आपके साथ मैं शेयर भी कर रहा हूं बगल में, आप देख सकते हैं कि 2020 के आसपास में, ठीक है, 2020-22 के आसपास में इसका जो मार्केट कैप था वो $2600 मिलियन के आसपास था, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि 2028-30 के आसपास में ये जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $10,000 होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है एस्ट्रोलॉजी मार्केट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ऐप का जो मार्केट है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है और बूमिंग सेक्टर है एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इस तरह का जब भी आप प्रमोशन करें तो सबसे पहला आपका उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली भी क्या करवाना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केटर से पहला जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लियर, वो होना चाहिए कि आप ऐप का इंस्टॉलेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी अगर कोई ऐप को जाते हैं ना डाउनलोड वगैरह करने के लिए तो सबसे पहले आप उसके नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन को जरूर देखते हैं, है ना, आप भी देखते होंगे कि भाई इसको कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, कितने लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि यार इनका मात्र 5,000-10,000 ही इंस्टॉलेशन है इनका,
ठीक है, आप यकीन ही नहीं करते कि यार एक्सप्लोजी ऐप अच्छा हो सकता है हमारे लिए, है ना। ऐसे चीजें देखने के लिए आपको खुद से मिलती है, कोई भी ऐप हो, जरूरी नहीं कि एक्सप्लोजी का हो, कोई भी तरह का ऐप हो, अगर आप देखते हैं कि इसके डाउनलोड से कम है तो आप खुद से उसको डाउनलोड नहीं करते, इसके रिव्यू और रेटिंग अगर खराब है तो आप खुद से उसको डाउनलोड नहीं करते। जो एक मुख्य बिंदु है आपके फोकस करने का, वो है कि आप डाउनलोड के ऊपर फोकस करिए अपना ज्यादा ज्यादा। जितना ज्यादा डाउनलोड होगा, जितना अच्छा रिटेंशन रेट होगा, उतना अच्छा रिवेन्यू आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी ऐप रिवेन्यू जनरेट करने लगती है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, देन आप फोकस करिए कि अब हम ब्रांड बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी चीजों को करें। ठीक है, जो बड़े टॉप पॉपुलर ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज वो बड़े बड़े क्रिकेटर को कोलैबोरेट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को ला रहे हैं अपने एंडोर्समेंट के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो वो पहली बार में सब चीजें नहीं की है, उन्होंने भी जो अपना साइकिल स्टार्ट किया उस समय से वो लगातार अच्छे तरीके के डाउनलोड्स के ऊपर उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स हो। ठीक है, आज के टाइम में उनके पास मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, इतने रेगुलर कस्टमर हैं, रिकरिंग कस्टमर हैं उनके पास कि वो लगातार पे करते रहते हैं। ठीक है, इवन कि नए डाउनलोड्स भी लगातार बढ़ते जाते हैं उनके। तो जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोकस है हमारा, वो होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, ना कि हम और भी चीजों पर ध्यान दें कि ये कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी ऑनर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट है, आप ऐप चलाते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो हमें लगता है कि वो फिजूल के हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, वो सारे सवाल नहीं होने चाहिए, आपका मेन फोकस सिर्फ इंस्टॉलेशन और रिटेंशन होना चाहिए स्टार्टिंग में। जब ये सब चीजें ग्रो होने लगती है तो वो आसानी से बनते जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एसईओ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको बहुत एसईओ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने ऐप वाले एस्ट्रोलॉजी ऐप के बिजनेस को काफी ग्रो करा सकते हैं। मेरा सिंपल ये कहना है कि आपका जो भी डिजिटल मार्केटिंग टीम है उसको मेन फोकस पे रखिए कि आप हमारे अच्छे इंस्टॉलेशन को बढ़ाओ। ठीक है, जहां से हमें रिचार्ज मिल सके, जहां से हमें रिवेन्यू जनरेट हो सके, लोग ट्रांजेक्शन करें एटलीस्ट आकर के वहां पे। ठीक है, सेकेंडरी ऑप्शन में आप एसईओ को रखिए, एसईओ को रखिए, ब्लॉगिंग को रखिए, सारी चीजों को रखिए, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो चाहे पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, या फिर सोशल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, आप पहले नंबर डाउनलोड को रखिए और उस पर ज्यादा फोकस करके काम करो। अगर वो बढ़ जाएगा आपका तो आपको बहुत ज्यादा और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक भी नाम होता जाता है, लोग ऑटोमेटिकली आपको लिंक देना शुरू कर देते हैं और वो खुद आपको लिंक करेंगे अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो। अगर आपकी ऐप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है तो खुद से वो लिंक करना शुरू करते हैं। तो ऐसा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिजूल सवाल आते हैं जो हमें नहीं लगता कि ये स्टार्टिंग में जरूरी होता है कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐप के ऑनर को कि आप ये चीज देखो वो चीज देखो। मेन जो सेंट्रलाइज फोकस होना चाहिए वो एक ऐप डाउनलोड के ऊपर होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके मन में एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट करने के लिए कोई सवाल है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम इज सफिशियंट टू प्रमोट एस्ट्रोलॉजी ऐप एंड दे हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रमोट एस्ट्रोलॉजी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। यू कैन कॉन्टेक्ट माई टीम ऑन 9556960585 टू डिस्कस अबाउट द प्रमोशन ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी ऐप और सर्विसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।